1935 से खंडवा के लोगों का विश्वास जीते हुए मस्तानी लस्सी की देसी कूल आइसक्रीम पार्लर नाम से एक और ब्रांच आनंद नगर में आनंद परिसर के सामने खुली है, जहां पर इटली से मंगाए गए स्पेशल इंटीग्रेंट से बनाई गई आइसक्रीम की पूरी रेंज मौजूद है। इसके अलावा कुल्फी, फलूदा, रबड़ी भी मौजूद है। आइसक्रीम कुल्फी फलूदा के शौकीन लोग एक बार जरूर जाकर टेस्ट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा के इंदौर इच्छापुर हाईवे पर स्थित नर्मदा जी का जो पुल है, मोटक्का चौकी के अंतर्गत आता है। यहाँ से आज से 5 दिन पहले खंडवा का एक युवक जिसका नाम शेख जुनैद था, घासपुरा का रहने वाला है, उर्दू स्कूल के पास, उसने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने जिक्र किया था कि उस पर कर्जा है और कर्जे वाले उसे परेशान कर रहे हैं। वह बेहद दुखी है, लोगों का पैसा देना चाहता था, लोगों ने काफ़ी तकाजा किया और उसके बाद वो बहुत परेशान हो गया, उसकी स्थिति ठीक नहीं है, जिस पर वह एक कदम उठा रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार मांधाता पुलिस की टीम, मोटक्का चौकी की टीम उसकी तलाश कर रही है, कोशिश कर रही है कि उसका शरीर मिल जाए। नर्मदा जी का पानी का बहाव भी रुकवाया गया, डैम से पानी भी बंद कराया गया, पानी का बहाव कम हो गया, कई कई किलोमीटर 20-20 30-30 किलोमीटर तक जाकर मांधाता पुलिस और मोटक्का की चौकी की जो टीम है उसने कोशिश की कि उसका शरीर मिल जाए, परंतु 5 दिन बाद भी जब उसका शरीर नहीं मिला और खंडवा के लोगों की बात करें तो उनके जो जानने वाले लोग हैं जिन्होंने पैसा लेना है और जो उनके परिचित लोग हैं वो इस पूरी घटना को संदिग्ध मान रहे हैं और अब धीरे धीरे उस जो लोगों का आशंका है उसकी तरफ चीज़ें मैच भी हो रही हैं, क्योंकि जो जानकार हैं उनका ये कहना है 24 घंटे में अधिकतम 48 घंटे में और बहुत ज़्यादा 72 घंटे में शरीर ऊपर आ ही जाता है, ऐसे में कहीं ना कहीं उसका शरीर मिल ही जाता, परंतु आज 5 दिन तक भी उसका शरीर कई कई किलोमीटर दूर तक भी बरामद नहीं हुआ। और जो नर्मदा जी के जानकार गोताखोर हैं जो रात दिन नर्मदा जी में उतरते हैं, उन्होंने हर वो संभावित जगह पर उसकी तलाश कर ली जहां पर वह कर सकते थे। अब पुलिस अपनी जांच का जो मॉडल है, जांच का जो मोड है वो बदलेगी, प्लान बी पर काम करेगी और उसके साले को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी मिल रही है। हालांकि पुलिस अभी इस बात का कन्फर्मेशन नहीं करी, पुलिस का कहना है कि अब वह दोनों एंगल पर जांच करेगी। नदी में युवक ने ब्रिज पे से छलांग लगाई थी, 5 रोज से सर्चिंग जारी है, गोताखोर और पुलिस प्रशासन के अभी तक सौ का पता नहीं चल रहा है।